दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल की आपको बता दें इस बीच दो मुख्य मांगे हैं। मुख्य मांग है गिरफ्तारी को चुनौती और अंतरिम राहत की मांग करते हुए रिहाई की मांग की गई है। दोनों ही मांगों पर आज सुनवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में पहले ईडी ने कस्टडी में लिया था, रिमांड बढ़ाई गई थी और बाद में अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में। और दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका दी गई है उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि इस याचिका में दो मुख्य मांग है, गिरफ्तारी को चुनौती और अंतरिम राहत की मांग। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी बलराम पांडे का। बलराम, देखिए दो मुख्य मांगे यहाँ पर, गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है, लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि ये गिरफ्तारी गलत है और अब ये देखना होगा कि सुनवाई के बाद क्या होता है, लेकिन लगातार आप आरोप लगाती रही। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती रही है कि सिर्फ चुनाव प्रचार से रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। और आज जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश के संयोजक गोपाल राय और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है और इस वक्त उनकी अर्जी पर सुनवाई चल रही है। उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंह, बलराम आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को वो पहले बता देते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर बड़ी खबर, अस्पताल से डिस्चार्ज हुए संजय सिंह, अस्पताल से जेल लाए जा रहे हैं संजय सिंह। तो आज बेल पर रिहा होने वाले हैं संजय सिंह और कल सुप्रीम कोर्ट ने ही संजय सिंह को जमानत दी थी, लेकिन अब ये जानकारी सामने, अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं संजय सिंह और किस तरह से जमानत के बाद आप देखिए अस्पताल से जेल लाए जा रहे हैं संजय सिंह, आज बेल पर रिहा होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अस्पताल ले जाया गया और देखिए वहां से अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है और संजय सिंह को इस मामले में जमानत मिल गई। हालांकि कई शर्तों के साथ जमानत दी गई है, 6 महीने बाद अस्पताल के जरिए अब जेल जाएंगे और वहां से रिहा होंगे संजय सिंह। आज बेल पर रिहा होने वाले हैं संजय सिंह, उन्हें जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसके बाद अब आम आदमी सांसद है संजय सिंह और डिस्चार्ज हो गए हैं, किस तरह से जल्द ही रिहा होंगे। तो बस हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्यायालय में पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, जहाँ से भी बेल मिल सकती है सबको बेल मिले और हम बाहर आए और फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे। बहुत राहत है, अभी और राहत मिलेगी जब बाकी लोगों को बेल मिल जाएगी, तो अभी हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई जश्न नहीं मना रहे। जब बाकी सारे लोग, सारे पापा के जो साथी हैं वो बाहर आ जाएंगे, उसके बाद हम इस चीज का जश्न। तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक है। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, आज संजय सिंह रिहा हो जाएंगे और जमानत पर उन्हें बाहर आने का मौका मिल रहा है, उनकी रिहाई से आम आदमी पार्टी के इक्वेशंस पर क्या असर पड़ने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए संजय सिंह की रिहाई से आम आदमी पार्टी को काफी राहत मिली है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है और जो बड़े नेता हैं वो सभी जेल में हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, चाहे सत्येंद्र जैन हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, संजय सिंह खुद जेल में रहे लेकिन उनकी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान उन्हें राहत मिली, उन्हें जमानत मिली, आज वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, जेल पहुँच रहे हैं और कुछ ही देर में वो तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे, उनकी आज रिहाई है, उसको लेकर के पार्टी मुख्यालय में भी जश्न का माहौल है। हालांकि जश्न के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो मना कर चुके हैं, लेकिन उनके स्वागत की तैयारी की गई है और आज ही वो लोकसभा कैंपेन को लॉन्च भी करेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा लोकसभा चुनाव में संजय सिंह होंगे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई, जिस तरीके से उन्हें जमानत मिली, 6 महीने वो जेल में रहें, तो ऐसे में इस मुद्दे को भी आम आदमी पार्टी भुनाने की कोशिश करेगी। और जिस तरीके से आप देखिए उनकी रिहाई के बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी, लेकिन इसी बीच देखिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, सुनाते हैं आपको आम आदमी पार्टी नेताओं के बयान। देखिए ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है, जैसे एक यूथ विंग होता है, विमेन विंग होता है, ऐसे ये ईडी विंग है, बीजेपी का है। अब इनके खिलाफ जो बोलेगा उसके अंदर ईडी कहीं ना कहीं से ले आएंगे। क्यों ले आएंगे? ताकि पहले गिरफ्तार करें, बाद में मुकदमा हो, बाद में चार्जशीट हो,
बाद में फैसला हो, मगर पहले गिरफ्तार कर ले, तो वही नाटक जो है वो चल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी को सीबीआई को अपना हथियार बना करके फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया, आज अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में डालने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है। ये जानते हुए करी है कि अरविंद केजरीवाल को सीवियर डायबिटीज है। ईडी ने क्यों मांगी जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल की? जब उनको गिरफ्तार किया था तो ईडी ने कहा था कि वह पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वह समन्स पर नहीं आए इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ खत्म होने के बाद जुडिशियल कस्टडी मांगने का क्या कारण है? Z News.